हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा, मैना दीदी की आप पर पूरी श्रद्धा है, विश्वास और सच्ची भक्ति भी है। मेरे दीदी की रक्षा करना। जो भी कोई मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है, उन्हें प्राप्त होता है आनंद, सुख, शांति और समाधान। हे साईं बाबा, मैं ना बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। मैं ना बेटी की प्रसूति में कोई तकलीफ ना हो, इसकी रक्षा करना साईं बाबा। साईं बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, मेरे बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रसूति का समय नजदीक है और मैं बच्चे को जन्म देने के बाद मरने वाली हूँ। मंगला का बेटा कितना बेचैन है। क्यों नहीं होगा, उसकी पत्नी की पहली प्रसूति है। मैना बेटी, जाओ, जाकर अंदर आराम करो। मैना कितनी डरी हुई है। पहली बार माँ बनना ऐसा ही होता है, तरह तरह के शुभ अशुभ विचार आते हैं। बच्चे को जन्म देने का मतलब है बच्चे की माँ का पुनर्जन्म होना। याद है ना, तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। भगवान करे ऐसा ना हो, आपको बताया गया भविष्य झूठ हो और आप अपने होने वाले बच्चे के साथ हमेशा खुश रहें। मैं फिर आऊंगी दीदी, आपका प्यार पाने के लिए और आपके बच्चे को प्यार करने के लिए। सदा सुखी रहो, सुखी रहो। साईं बाबा, मैना दीदी की आप पर पूरी श्रद्धा है, विश्वास और सच्ची भक्ति भी है। मेरे दीदी की रक्षा करना। जो मेरा नाम स्मरण करता है, श्रद्धा और भक्ति से उसे मैं जीवन चक्र के चक्र से भय मुक्त कर देता हूँ। जो मेरे चरित्र का गायन करता है, उसके साथ मैं हमेशा होता हूँ, उसका साथ मैं हमेशा देता हूँ। जो भक्त दिलो जान से मुझे चाहते हैं, उन्हें मैं साक्षात्कार करा देता हूँ कि मैं परछाई की तरह उनके साथ रहता हूँ। जो भी कोई मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है, उन्हें प्राप्त होता है आनंद, सुख, शांति और समाधान। जो मेरा है अनन्य शरण, श्रद्धा और विश्वास करता है मेरा चिंतन, मेरा भजन, मेरा नाम, मेरी भक्ति, मेरा ध्यान, अक्षय चित्ती, ऐसे भक्तों को मैं बचा लेता हूं मृत्यु के मुख से। सबका मालिक एक। बच्चे को जन्म देकर तुम मरने वाली हो, 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 बच्चे को जन्म देकर तुम मरने वाली हो।
क्या बात है साईनाथ, आप सोए क्यों नहीं? मालसपति, मेरे भक्त की नींद उड़ गई है तो मैं कैसे सो सकता हूं? तुम तो जानते हो अपने भक्तों को लेकर मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूं। इस समय आपको किसकी फिक्र लगी है साईनाथ? मौत की। इंसान को अंधेरे से, मौत से डर लगता है मालसापति। अंधेरे में जाने से वो इसलिए डरता है कि वो जानता नहीं कि अंधेरे में क्या होगा। मौत के अंधेरे से तो वो हमेशा डरा रहता है क्योंकि वो जानता है जिसे मौत का अंधेरा निगल लेगा वो फिर कभी जिंदगी का उजाला नहीं देख पाएगा। मौत इंसान की जन्म की साथिन है। मालसापति जब से इंसान पैदा होता है वो उसके साथ रहती है। मालिक की बनाई इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो वो है मौत। वो कैसे साईनाथ? मौत इंसान को दुख, दर्द से, गमों से, यातनाओं से छुटकारा दिलाती है। मौत इंसान को सारी व्यथाओं से, पीड़ाओं से मुक्ति देती है। मौत इंसान की चिंताएं, विवेचनाएं भगा देती हैं। मौत बचपन से लेकर मरते दम तक जिंदगी जीने के लिए भाग दौड़ करने वाले इंसान को ऐसी नींद सुला देती है जिससे वो कभी जग ही नहीं पाता। मालसापति, एक न एक दिन हर किसी को मौत के अधीन होना है। ये जानते हुए भी इंसान मौत का सोचकर बेचैन हो जाता है, लेकिन सच्चाई को ठुकराया नहीं जा सकता। और सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है मौत। फिर भी जिंदगी जीने से पहले ही जब लोग मौत का खौफ देखते हैं तो मैं भी विचलित हो जाता हूं। महासापति, बचपन में, जवानी में जिन पर मौत का साया पड़ता है उनके लिए मैं फिक्रमंद रहता हूं। बचपन या जवानी मरने की उम्र नहीं है, लेकिन ये सब नसीब का खेल है, भाग्य का चक्र है, अपने कर्मों का बंधन है जिससे किसी को भी छुटकारा नहीं है, न तुम्हें है न ही मुझे है। जो जन्म लेते हैं उसका कार्य और कार्यकाल निश्चित होता है। और जब उसका कार्य और कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो मौत के अधीन हो जाता है। सबका मालिक एक। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईं नाथ।
हे साईं बाबा, मैं ना बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। मैं ना बेटी की प्रसूति में कोई तकलीफ ना हो, इसकी रक्षा करना साईं बाबा। साईं बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, मेरे बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रसूति का समय नजदीक है और मैं बच्चे को जन्म देने के बाद मरने वाली हूँ। शांता चाची को बुलाया जा रहा है। लगता है मंगला की बहू को प्रसूति होने को है। हम भी तुम्हारी प्रसूति के लिए शांता चाची को ही बुलाने वाले हैं। अरे ओ मौसी, क्या हुआ? चलो चलो चलो। जल्दी आओ शारदा काकी, वो बेचारी दर्द से तड़प रही है। मंगला का बेटा कितना बेचैन है। क्यों नहीं होगा, उसकी पत्नी की पहली प्रसूति है। मैं ना बेटी, जाओ जाकर अंदर आराम करो। मैना कितनी डरी हुई है। पहली बार मां बनना ऐसा ही होता है, तरह तरह के शुभ अशुभ विचार आते हैं। बच्चे को जन्म देने का मतलब है बच्चे की मां का पुनर्जन्म होना। सहदेव की माँ, बहुत बुरा हुआ, मंगला की बहू बच्चे को जन्म देने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। साईनाथ, देवा, क्या देख रहे हैं आप? आने वाले तूफान को, मौत को देख रहा हूं जो मुंह फाड़े खड़ी है। उथल पुथल मचाने वाली है श्यामा। विश्वास और अविश्वास में रस्सा कसी होने वाली है। श्रद्धा और भक्ति दांव पर लगने वाले हैं। होनी और अनहोनी के बीच जंग छिड़ने वाली है। हाथ की लकीरें मालिक की कृपा को चुनौती देने वाली है। बाबा, आप तूफान को शांत कर दीजिए ना, आप मौत को भी रोक सकते हैं बाबा। श्रद्धा और विश्वास आप ही के गुरु मंत्र है साईनाथ। इसीलिए तो बेचैन हूं महालसपति। मेरा भक्त कसौटी पर खरा उतरा है, उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। उसके विश्वास को दृढ़ करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने भक्तों के साथ होता हूं, भक्तों का साथ देता हूं। अब समय है मुझे भक्तों का साथ देने का, उनके साथ होने का। नानावली जी। बाबा, बाबूगीर बाबा को बुला कर लाओ। बाबूगीर बाबा मतलब रामगीर बाबा। साईनाथ उसे बापूगीर बाबा ही कहते थे। लेकिन वो शिरडी में नहीं है बाबा। वो आएगा, उसे आना ही होगा।
वो मुझे मिलकर खानदेश लौटने वाला है। वो जामनेर जा सकता है। जाओ नानावली, जाओ उसे बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। जी बाबा। ये अचानक बाबा ने जामनेर का जिक्र क्यों किया? जामनेर में तो नाना साहब चांदोरकर रहते हैं। उनके घर में कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो गई? हाँ, उनकी बेटी मैनाताई बच्चे को जन्म देने वाली थी। थोड़ा बर्दाश्त करो मैना। नहीं कर सकती। नानी, नानी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नानी मुझे बचाओ। नानी, मुझसे मैना की हालत देखी नहीं जाती। जी नानी, तुम भी धीरज खो दोगी तो मैना बेटी का क्या होगा? बच्चे के जन्म पर दर्द और तकलीफ तो होती है, बस थोड़े समय की बात है। जाओ जाओ, मैना बेटी को धीरज दो। किस तरह मैना तड़प रही है, लगता है बच्चा उसकी परीक्षा ले रहा है। वो जन्म लेने के लिए तैयार ही नहीं। हो सकता है मंगला की बहू की मृत्यु से मैना बेटी को सदमा पहुंचा हो। मैं तो यही मांगती हूँ, सब ठीक हो जाए, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। नानी, ये मत भूलो, साई बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारी मैना बेटी के साथ है। ओम जय साई नाथ, जय साई नाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साई नाथ, जय साई नाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें। साई बाबा, रुक जाओ, रुक जाओ। साईनाथ, आपने आरती क्यों रोक दी? नानावली, बाबू रामगीर बाबा कहां पर है? रामगीर बाबा शिरडी में कहीं दिखाई नहीं दिए बाबा। ढूंढो नानावली, ढूंढ कर लाओ उसे। सबके सब जाओ और ढूंढो उसे। बाबू रामगीर बाबा जहां पर भी मिले उसे ढूंढ कर यहां पर लाओ। जाओ सबके सब। मैं नहीं बचूंगी नानी, नानी। शिरडी में कोई कैसे जान सकता है, वो भी रामगीर जैसे बाबा का पता। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। मौत, मौत कहाँ सब्र करती है नानी। चुप मत कर ऐसी बात, साईं बाबा को याद कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नाना साहब चांदोलकर के बेटी की प्रसूति में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। नानी, नानी मुझे मुझे वहाँ ले चलो, मुझे साईं बाबा के पास ले चलो। शिरडी, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ। कहीं नहीं मिले, कुछ पता चला? नहीं, रामगीर बाबा का तो कहीं पता नहीं चला।